हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नामिका किचन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कच्चे केले की एक सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको मैंने बिना लहसुन प्याज के बनाया है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। तो मैंने सिर्फ 3 केले लिए हैं, ज़्यादा भी मत बनाइए, आपके फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से बनाइए। तो मैंने 3 केले ले लिए, इनको अच्छे से धोने के बाद इनको छील लेंगे, और छीलने के बाद मैं इन छिलकों को फेंकूंगी नहीं, इससे भी एक चटनी बनाऊंगी। और पिछले वीडियो में मैंने कच्चे केले के कोफ्ते की रेसिपी दी थी, तो उसमें मैंने चटनी की रेसिपी भी शेयर किया था एक साथ ही। तो अगर आप देखना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो छिलकों को मैं निकाल कर अलग से रख दूंगी और इनको फेंकूंगी नहीं, इनको बॉईल करके मैं चटनी बनाऊंगी। और यहाँ पर मैंने एक दूसरे बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें थोड़ा सा नमक हल्दी डाल दिया है, ताकि जो केले हैं वो काले ना पड़ जाए, नहीं तो ये तुरंत ही काले पड़ जाते हैं। तो गोल गोल मैंने काट लिया है इनको, बहुत ज़्यादा पतला और या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, क्योंकि इनको हम थोड़ा सा हल्का फ्राई करेंगे। अभी इन पीसेस को काटने के बाद मैं इसी में थोड़ा देर छोड़ दूंगी, जब तक मैं दूसरी तरफ गैस पे कढ़ाई चढ़ा दूंगी। और कढ़ाई आप थोड़ा हैवी बॉटम लीजिएगा, जो भी कढ़ाई ले, लोहे का ले, नॉनस्टिक ले, जो भी ले, थोड़ा हैवी बॉटम लीजिएगा, तो हम इनको जब शैलो फ्राई करेंगे तो वो चिपके ना। अभी इनको मैं एक दूसरे प्लेट में निकाल रही हूँ, आप एक छन्नी वाले बर्तन में उसको स्ट्रेन कर लीजिएगा, ताकि पानी ना रहे। अब कढ़ाई में मैंने थोड़ा सरसों तेल डाल दिया, तेल अच्छे से गरम करना है, उसके बाद थोड़ा सा काला जीरा डाल दिया, और जब ये तड़कने लगे तो हम जो पीसेज हैं केले के जो पीसेज हैं उनको मैं डाल रही हूँ। इसमें देख सकते हो थोड़ा पानी छिटक रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि इसको आप एक स्ट्रेनर में निकाल लीजिए, जो जिसमें जो छेद रहते हैं ना, उस वाले बर्तन में आप इसको निकाल लीजिएगा। तो अभी इनको अच्छे से मैं फ्राई करूँगी, और ये एकदम जो लोहे का कढ़ाई है ना, ये खरीदते समय ही काला था, ऐसा नहीं है कि खाना बनाने के बाद ये काला हो गया है, ये खरीदते समय ऐसा काला ही रहता है। बहुत हैवी बॉटम होता है ये, बहुत ज़्यादा भारी होता है, तो इसलिए कोई चीज़ जलता नहीं है इसमें तुरंत। तो ये केले के पीसेस आप देखिएगा, किसी पतले तले वाले कढ़ाई में बनाएंगे ना तो ये लग जाएगा तुरंत ही, तो इसमें ये इसीलिए मैंने इसमें इसको फ्राई कर रही हूँ। और अब मैंने गैस का आँच को कम करके उसको फ्राई होने छोड़ दिया, और दूसरी तरफ मैं एक टमाटर, एक मिर्ची और एक टुकड़ा अदरक को अच्छे से काट लूँगी। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर पाउडर और एक चम्मच में ज़ीरा पाउडर भी डालकर पेस्ट बना लूँगी। यहाँ ये अच्छे से भुन चुके थे, देख रहे हैं, और उन्होंने तेल भी छोड़ दिया। ऐसे ही मैंने शुरू में बहुत ज़्यादा तेल डाला भी नहीं था, लेकिन जितना भी तेल था उसका आधा तो इन्होंने छोड़ ही दिया है, तो उसी तेल में हम इसका सब्ज़ी भी अभी तैयार कर लेंगे। तो ये फ्राई हो चुके थे, 5 से 10 मिनट हो चुका था, अच्छे से फ्राई हो गए थे। तो अब इसी जो थोड़ा सा तेल बचा है, इसी तेल में मैं जो पेस्ट बनाया था उसको मैं डाल दूँगी। तो मिक्सर जार में काफ़ी लगा हुआ है, तो थोड़ा सा हम इसमें पानी लगा डाल के, ढक्कन में भी थोड़ा पानी डाल के इसमें अच्छे से पका लेंगे। और हल्दी मैं आधा चम्मच डालूंगी, और नमक भी थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ स्वाद अनुसार, और इसको अच्छे से पका लेंगे। अभी 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें मैं 2 से 3 चम्मच घी डालूंगी, छोटा चम्मच है, छोटा मतलब बहुत ही छोटा है, 1 टीस्पून से भी छोटा है। तो इस घी डालने से क्या होगा, इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा ये घी है, ये घी इससे टेस्ट को इन्हेंस करेगा और अच्छा खुशबू भी आएगा। तो नमक आप टेस्ट कर लीजिए, अगर कम लगता है तो इसी वक्त आप नमक और थोड़ा डाल दीजिए। देखिए अभी मसाले ने तेल छोड़ दिया पूरा, तो इस वक्त हम इसमें जो पीसेस किए हुए केला है जो इसको हम डाल देंगे। और अगर आप आलू डालना चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं शुरू में, मेरे पास बॉयल आलू था इसीलिए मैं अभी बॉयल डाल रही हूँ। और अगर आपके पास बॉयल आलू नहीं है तो शुरू में आलू को भी, जैसे केलों को हमने फ्राई किया है ना, वैसे ही आप आलू को भी पीसेस करके फ्राई कर लीजिएगा। तो आलू डालने से क्या होगा ना, इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, साथ ही साथ ये एक ग्रेवी को थिकनेस देगा। तो इनको भी अच्छे से मैं 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लूँगी, और इसके बाद मैं इसमें गर्म पानी ऐड करूँगी। आप भी कोशिश कीजिएगा गर्म पानी ऐड करने के लिए, इससे जो सब्ज़ी का जो कुकिंग होता है ना, वो प्रोसेस रुकता नहीं है और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है इसका। तो कोशिश कीजिए कि गर्म पानी डालने का, नहीं है तो ठंडा पानी डाल सकते हैं आप। तो ये जो केले की सब्ज़ी है बहुत ज़्यादा पानी खींचता है, इसीलिए आपने, मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है, तो मुझे थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि ये और भी पानी खींचेगा, तो इसलिए मैंने और थोड़ा सा गर्म पानी इसमें डाल दिया। डालने के बाद अब मैं इसको ढक के 5 से 10 मिनट तक पका लूँगी कम आँच में। वापस से मैंने नमक टेस्ट किया, थोड़ा सा मुझे कम लगा, तो मैंने इसमें नमक डाल के इसको थोड़ा सा हिला लूँगी। हिलाने के बाद अब मैं इसको ढक के 5 से 10 मिनट तक इसको मैं लो फ्लेम पे रखूँगी, एकदम लो फ्लेम पे। अभी इसको मैंने खोला और देख सकते हैं पानी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि
ये केले जो हैं ये भी पानी खींचते हैं, काफ़ी ठंडा हो जाएगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा, पानी रहेगा ही नहीं। तो बस ये बनकर बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि मैंने इसमें बॉयल आलू डाला था, केले को भी मैंने फ्राई कर ही लिया था, तो बहुत झटपट बन जाती है ये सब्ज़ी। और इसको मैं अभी गर्मा गर्म सर्व कर दूँगी, ये देखिए सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी, क्योंकि ये लोहे का कढ़ाई है तो मैं इसमें रखूँगी नहीं सब्ज़ी पूरा, तो कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप स्टील के कढ़ाई में बना रहे हैं तो आप उसमें रख सकते हैं, लेकिन जब भी आप लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो तुरंत ही उसको निकाल लीजिएगा दूसरे बर्तन में सर्विंग बाउल में, नहीं तो सब्ज़ी पूरा काला हो जाएगा। तो ये बस बनकर बिल्कुल रेडी था, तो इसको मैंने ज्वार की भाकड़ी के साथ सर्व किया रात के डिनर के लिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए मैंने चटनी भी सर्व कर दिया साइड में, केले की जो छिलके की चटनी वो भी मैंने बनाई थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।